Hey everyone, welcome to my channel English Progress. Today we are going to discuss about the summary of the poem Telephone Conversation, a poem by Wallace Stegner. Before moving to the poem, let's discuss about the author. He was born in Nigeria on July 13, 1934. He came to England as a young man in the late 1950s, and the events in the poem relate to this period, when there were no laws to prevent landlords from discriminating against different ethnic groups when renting out flats or houses. Now let's start the poem Telephone Conversation by Wallace Stegner. The price seemed reasonable, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. अब यहाँ पर बात हो रही है एक landlady और एक tenant के बीच में. लैंडलेडी ने अपनी सारी कंडीशंस बता दी थी कि वो वहां पर उस घर में नहीं रहती है. उसको इस बात से भी कोई लेना देना नहीं था कि जो टेनेंट है वो कहाँ का रहने वाला है, उसका कलर कैसा है, वो किस तरह का दिखता है, इस बात से उसको कोई लेना देना नहीं था. तो अब कुछ बचा ही नहीं था क्वेश्चन के लिए. तो टेनेंट को लगा, लेकिन मुझे फिर भी सेल्फ कन्फेशन, यहाँ पर आयरनी सेल्फ कन्फेशन यूज किया गया है कि जब हमें रेंट पर लेना है घर तो उसमें अपने आप के बारे में सब कुछ बताना, सेल्फ कन्फेशन, उसकी क्या नीड है. लेकिन फिर भी यहाँ पर आयरनी सेल्फ कन्फेशन यूज किया है. तो टेनेंट को लगा कि मुझे अपने बारे में बता देना चाहिए. उसने चेतावनी देते हुए कहा, मैडम आई हेट अ बेस्टी जर्नी आई एम एफिक्ट. मैडम मुझे इधर उधर की बातें करना नहीं आता है, मैं आपको सीधे तरीके से बताता हूँ कि मैं एक एफिकर. साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीथिंग. वहां पर एकदम से सन्नाटा छा गया. अब क्या है कि वहां पर ना तो लैंडलेडी की आवाज आ रही थी और ना ही टेनेंट की आवाज आ रही थी, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी. गुड ब्रीडिंग, गुड ब्रीडिंग से हमें पता चलता है कि वो बहुत ही वेल कल्चर्ड, अच्छे एजुकेटेड फैमिली से लग रही थी जो लैंडलेडी. उसकी अच्छी जो है आवाज, ऐसे लग रहा था कि वो एक कल्चर्ड एजुकेटेड फैमिली से है, तो उसकी अच्छी आवाज जो है, उसकी अच्छी सासों की आवाज आ रही थी. वॉइस, व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रॉड सिगरेट होल्डर पिप्ड कोट आईब्रोज पॉप. तो अब जब उसकी आवाज आई तो लैंडलेडी का असली सच सामने आया. यहाँ पर पोइट ने लिटरेरी डिवाइस इमेजरी यूज किया, क्योंकि अभी तक तो ना तो टेनेंट ने और ना ही लैंडलेडी ने, दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन जस्ट उसकी आवाज से ही उसकी मेंटल इमेज समझ आ रही थी. हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम शोज हर सुपीरियरिटी. ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिपस्टिक के बहुत सारे कोट्स लगाकर, गोल्डन चेन डालकर और सिगरेट हाथ में पकड़कर बात कर. हाउ डार्क आई हैडन्ट मिस्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क. बटन बी. यहाँ पर उसने फिर से क्वेश्चन पूछा कि हाउ डार्क. ये क्या क्वेश्चन हुआ कि हमें अपने टेनेंट से ये पूछना चाहिए कि आपको कितने प्राइस जो है वो आपको कंफर्टेबल है, आप हमारे घर में कैसे रहोगे. ये क्वेश्चंस तो जायज हैं, लेकिन किसी के रंग रूप के बारे में इस तरह से पूछना कि तुम काले हो तो तुम कितने काले हो, ज्यादा काले हो या कम काले हो. उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई, मिसहर्ड, मुझे कोई सुनने में गलती तो नहीं हुई थी. उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने कोई मशीन पड़ी है जिसके बीच में से मुझे बटन प्रेस करना है, बटन ए बटन बी. स्ट्रेच ऑफ फ्रेंजीड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइडेड स्पीड. अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने कोई पब्लिक बूथ पड़ा हो जिसके बीच में बहुत ही फाउल स्मेल. स्ट्रेच ऑफ फ्रेंजीड ब्रेथ, जैसे कि कोई डीकम्पोज ऑयल्स के बहुत ही फाउल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है, वैसे उसके सामने उसे वो स्मेल याद आ गई थी. और यहाँ परसोना को ऐसे लग रहा था कि जैसे कंप्रेसली कोई बच्चों के खेल की फैसिलिटी है, उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बच्चों का खेल चल रहा है, कोई फाउल स्मेल आ रही है, उसे इस तरह की फीलिंग उसकी बातों से लग रही थी. रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टीयर्ड ओमनीबस क्वेल्चिंग डार्क, इट वॉज री. यहाँ पर डिक्शन ब्रेड एक कॉन्टेटिव के रूप में यूज किया गया है. तीन बार परसोना के डर, डिस्टरबेंस और मेंटल डिस्कम्फर्ट के लिए यूज किया गया. रेड कलर जो कि एंगर को शो करता है,
उसकी बातों से, लैंडलेडी की बातों से टेनेंट को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ओमनिवर्स क्वेल्चिंग डार्क, जैसे कि कोई बस जो है क्रश कर देती है, स्क्वेल्च किसी को क्रश कर देती है, उसी तरह से ही मुझे भी क्रश किया जा रहा है। ओमनिवर्स क्वेल्चिंग डार्क, यहाँ पर ओमनिवर्स सिंबॉलिक रोमांटिक इमेज से पोएम के लंदन से कनेक्शन की बात शो हो रही है। वो शहर जहाँ डेवलप वेस्टर्न वर्ल्ड तो है, लेकिन रेसिज्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस जो है वो किसी को स्क्वेल्च, किसी को क्रश कर देती है, किसी को अपने नीचे बिछा देती है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। लैंडलेडी ने अपने बातों से बहुत ज्यादा मुझे शेमफुल जो है वो फील करवा दिया था। शेम बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर पुश्ड डंबफाउंडमेंट टू बैक सिंप्लीफिकेशन। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि डंबफाउंडमेंट, जैसे कि मुझे कोई बहुत धक्का लगा है उसकी बातों से, मुझे उसने अपनी बातों से एक धक्के की तरफ धकेल दिया था, और अब मैं चाहता था कि कुछ सिंप्लिसिटी वाली बातें भी हो जाए, कुछ सिंपल वे में, सिंपल मैनर में जो है बातें उससे करनी चाहिए। पॉजिटिव शी वॉज बैरिंग द एम्फेसिस, लेकिन वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई थी। उसने फिर से जोर देकर कहा, आर यू डम और वेरी लाइट रेवल्यूशन के यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। अब यहाँ पर लैंडलेडी के रेसिस्ट इंक्वायरी खत्म ही नहीं हो रही थी, वो चॉकलेट से कंपेयर करने लगे। ऐसा लगता था कि दिखने में जो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत हाई लग रहा था, उसके पास कंपेरिजन के लिए वर्ड्स और ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। उसने कंपेयर किया किसके साथ, चॉकलेट, प्लेन चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के साथ। हर सेंट पोस्ट क्लिनिकल क्रशिंग इन इट्स लाइट इन पर्सनैलिटी, उसका जो टोन है असेंट किसी को स्वीकृति देना कि वो जो अभी जिसने हाँ नहीं की थी ना ही ना की थी, जो उसकी स्वीकृति है वो बहुत ही दुखी थी, जो उसकी छाप छोड़ रही थी कि वो किस तरह की औरत है, वो किस तरह की जो है उसका कैरेक्टर है, वो पता चल रहा था उसकी बातों से। रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेप्टी, कह रहा कि मैंने अपना सारा हिम्मत जो है वो जुटाई और उसको मैंने अपने आप के बारे में इस तरह से बताया कि मैं जो है वेस्ट अफ्रीकन सेप्टी एंड एज एन आफ्टरथॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, उसके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन उसने अपना जवाब बहुत ही सुपीरियर वोकैबुलरी में दिया। उसने कहा कि मैं वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। अब वेस्ट अफ्रीकन सेपिया ये क्या होता है, यहाँ पर एस और एफ का डबल एलिफेशन स्पेशल साउंड इफेक्ट के लिए यूज किया गया है। अब लैंडलेडी जो कि बहुत ही एजुकेटेड लग रही थी, उसके डंबफाउंडमेंट होने की टांग, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका जो है किससे कंपैरिजन किया जा रहा है। सेपिया, सेपिया मतलब ब्राउनिश येलो कलर। साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ये एक डिवाइस होता है जो कि कलर्स को ऑब्जर्व करता है, और फ्लाइट ऑफ फैंसी किसी इमेजिनरी ही उड़ान में अपनी बातें करना, इमेजिनरी उड़ान में चले जाना। तो यहाँ पर जो है उसने अजीबोगरीब वोकैबुलरी यूज करके उसको कंफ्यूज कर दिया था। फील ट्रूथफुलनेस क्लैंच हर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस, व्हाट्स दैट कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शी वाज सिंपली अ शैलो जजमेंटल रेसिस्ट, लैंडलेडी ने पूछ लिया कि ये क्या होता है। The poet juxtaposes various European hair colors together in a deliberately confusing manner. अब वो अपनी बात को बड़े अजीब तरीके से समझाने लगा। वो कहने लगा कि मैं डार्क तो हूँ पर पूरा नहीं। उसने पूछा लेडी ने कि आप ब्रुनेट हो, ब्रुनेट जैसे कि कोई ब्रिटिश लेडी, आप वो जैसे वो ब्राउनिश कलर की होती है, कहती है कि वो आपको उसके जैसे देखते हो। वो कहता कि पूरा नहीं हूँ, मैं डार्क तो हूँ लेकिन पूरा नहीं हूँ, स्पेशली आई एम ब्रूनेट, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, आपने सिर्फ मेरे फेस पर नहीं जाना लेकिन मुझे पूरी मेरे बॉडी पार्ट्स को देखो, पाम ऑफ माय हैंड, सोल्स ऑफ माय फीट आर ए पेरोक्सिड ब्लॉन्ड, जो मेरी हथेली है पाम और मेरे सोल्स जो मेरे तलवे हैं वो पेरोक्सिड ब्लॉन्ड है, पेरोक्सिड ब्लॉन्ड जैसे ब्लीच का कलर होता है। कह रहे कि मेरे जो हथेली है, जो तलवे हैं, वो ऐसे नहीं है,
लेकिन जो मेरे फेस का कलर है वो बहुत ही ब्राउनिश है. फ्रिक्शन पोज्ड फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न माय बॉटम रिबन ब्लैक. मेरे की बार बार फ्रिक्शन रगड़ लगने से जो मेरी बॉटम है, हिप्स है, वो क्या हो गए हैं, रेवन ब्लैक. एक ब्लैक बर्ड जो होता है उसके साथ अब उसने कंपैरिजन किया है. मेरे की बार बार रगड़ लगने की वजह से मेरे जो बॉटम है, हिप्स है, वो बिल्कुल ही रेवन ब्लैक हो गए हैं, लेकिन जो मेरी हथेली है और तलवे है वो पेरोक्सिड ब्राउन है. वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर वेयरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माय इयर्स, मैडम आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योरसेल्फ. अब उसने जिद पकड़ ली कि मैडम आपको मुझे खुद देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मैं काला हूँ तो कैसा काला हूँ, थोड़ा सा काला हूँ या ज्यादा काला हूँ. वो कह रहे कि आप खुद आकर देख लीजिए मैं कैसा हूँ. जहाँ पर गुस्से की वजह से, टेनेंट के आउटफिट की वजह से लैंडलेडी ने, जैसे बिजली की कड़क होती है, थंडर क्लैप बिजली की कड़क होती है, उसी हिसाब से उसने रिसीवर रख लिया. उसको बहुत ही लैंडलेडी को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा. लास्ट लाइन में टेनेंट की पोलाइटनेस से लैंडलेडी की अल्टीमेट इंसल्ट शो हो रही. और यहीं पर ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर और ऑब्वियस सार्कास्म के साथ पोएम खत्म हो जाए. अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.